भाई इसे कहते हैं आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यूसुफ है और सीन कुछ ऐसे है कि अभी हम हमारे दोस्तों के साथ सगीर और अली मोहम्मद मेरे बड़े भाई, तो अभी हम जा रहे हैं भाई नूरानी। 8 बजे हम निकले थे घर से, हमें पता चला था कि 9 बजे गाड़ी निकलती है दिल्ली मार्केट में, तो इसीलिए हम थोड़ा जल्दी घर से निकल आए। पर जब यहाँ आए इससे पूछा तो पता चला कि भाई 9 बजे तो नहीं निकलती, ये तो 10 बजे निकलेगी। और वो हमें कोई 4 से 5 घंटों में हमें उन्होंने नूरानी पे पहुँचाया। उसमें एक दो स्टॉप भी किए थे बीच में, उसके बाद हम पहुँचे। चुके हैं, फर्स्ट स्टॉप है, अभी डायरेक्ट हम नूरानी जाएंगे। तो अभी हमने नाश्ते का बंदोबस्त भी कर लिया है, ये हमारे पास है ब्रेड है, ब्रेड और आलू का साले मसाले वाले और घर से ये बना के हम ले आए थे। हाँ भाई, सालन कैसा बनाए? अच्छा। हाँ सगीर भाई, बेहतरीन। हाय हाय, अब मैं ट्राई करता हूँ। हमारी मेगाबाइट जो खाना हम घर से ले गए थे वो खाना हमने खाया। खाना खाने के बाद फिर हम बस में बैठे, फिर से हम नूरानी के रास्ते निकल गए। उसके दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा बागात मिले, ज़्यादातर तो रास्ते से जाए तब चीकू के बागात थे, और भी अच्छी अच्छी जगहें हमें देखने को मिली। तो जब हम मोहब्बत फ़कीर पर पहुँचे तो फिर हमें ये बुज़ुर्ग मिले जो कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे। रास्ता है पर हम नूरानी पहुंच जाएंगे। तो हम रास्ते में गुजर रहे थे तो हमें एक जगह मिली जो कि बहुत प्यारी जगह, आप देख सकते हैं पानी वगैरह। तो हम सोचा यहाँ से वीडियो भी बना लेंगे और शॉर्ट वगैरह पिक्चर्स वगैरह भी क्लिक कर लेंगे। भाई हम सीधा सीधा जा रहे थे नूरानी, फिर सोचा कि यार कोई जगह थी अच्छी लगी हमें, हम उस पर शूट कर लेते हैं। और अब हम मुश्किल में फंस गए, सिर्फ ये शूट करने के लिए यहाँ तक हम आए। अरे हम तो ये देख के ही पागल हो गए थे, हमें नहीं पता था कि इससे आगे भी जाएंगे और जगहों पर भी पानी है। क्योंकि हम पिछले साल आए थे तो किसी भी जगह पानी नहीं था, इस साल बारिश से काफ़ी ज़्यादा हुई, इस बारिश से काफ़ी पानी भी। भाई मेंढक केकड़े सब है, केकड़ा कहाँ गया दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ है? ओह पानी में। हाँ आई सी पानी में, शायद कैमरे नहीं दिखा रहा। भाई पिछले साल भी आए थे हम, तब भी यहाँ इतना पानी नहीं था, अभी बहुत काफ़ी ज़्यादा है। बारिश हुई थी, अभी तक उसका पानी यहाँ तक जमा है। वो पानी भी माशाल्लाह देखने साफ़ है। हम कब से एक बात यही डिसाइड कर रहे हैं कि भाई पानी जो साफ़ है इसकी वजह ये हो सकती है कि यहाँ किसी को हाथ वगैरह धोने नहीं देते, जो पीने का पानी रखा गया है। और इसके चारों तरफ ये झाड़ियाँ रख दी गई है कांटों वाली, ताकि कोई पानी को ख़राब ना करे। और एक भी शाबर भी नहीं है। शाह जबल में शाह नूरानी बाबा का चिल्ला मुबारक, ये भाई देख सकते हैं आप, वो सामने अगर आप देख सकें, ये रहा घर है। यहाँ पे जो नूरानी बाबा थे वो चिल्ला काटा करते थे, तो उस लिहाज से ये आपको नूरानी के रास्ते में ही आपको मिल जाएगा चिल्ला।
अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल खैर और आफियत और सलामत से नूरानी की मज़ार पर पहुँचाए। यह भाई नूरानी बाबा की मज़ार यहाँ पर हमने सलामी दी। अब इंशाल्लाह हम आप मिलेंगे आपके साथ न्यू व्लॉग के साथ, और इसका ही पार्ट टू समझ लें आएगा। दो तीन व्लॉग बनाए मैंने क्योंकि एक व्लॉग में सब एडजस्ट नहीं हो रहा था।